हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वो किसना है सॉन्ग के डांस स्टेप्स। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही डिफरेंट जगह यूज हो सकता है और जन्माष्टमी का त्यौहार भी आ रहा है तो आप वहाँ भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस सॉन्ग के स्टेप्स सेमी क्लासिकल हैं जिनका लेवल बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल का रखा गया है, जिससे कि आसानी से आप इसे परफॉर्म कर पाएँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक सॉन्ग पे मुझसे कोरियोग्राफी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसे फिल करके आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के डांस स्टेप सीख लेते हैं। है मेरा राइट साइड, ये है मेरा लेफ्ट साइड। हमारा सॉन्ग स्टार्ट होता है वो किसना है एक बीट के साथ, एक डांडिया जैसी बीट है, ना कि मैं उसे प्रॉपर डांडिया कहूँगी, उसमें हल्की हल्की छन छन की आवाज़ भी है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम बैक के साथ। ओके, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने राइट साइड से। ओके, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैरों का मूवमेंट सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, जाना है अपने राइट पैर से राइट साइड। जब आप राइट साइड जाएंगे तो जो आपका लेफ्ट पैर है वो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा और साथ ही आपको अपनी बॉडी में थोड़ा सा हॉप भी क्रिएट करना है, यानी कि वन। जब आप राइट साइड गए तो जो आपकी राइट वेस्ट है वो बाहर की तरफ आएगी। ओके, देन लेफ्ट हॉप के साथ, तो वन टू थ्री फोर। ओके, यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि यहां की जो बीट है वो ठक 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 इस तरह से साउंड कर रही है, तो उसी तरह से हम अपने पैरों के मूवमेंट पे भी ध्यान देंगे। यानी कि जब हम बैक पे होंगे तो हमने इस साइड गए और हमारा जो पैर है ये वाला जो टिल्ट है वो हल्का हल्का इस तरह से टैपिंग करेगा टू टू टाइम्स, तो वन टू थ्री फोर। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जिस साइड हम जाएंगे उस साइड की वेस्ट भी बाहर आएगी। अब इसमें हम अपने हाथों के मूवमेंट को चेक करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह की मुद्रा भी बना सकते हैं, सिंपल ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, इसके तुरंत बाद हम स्टेप्स को चेंज करेंगे क्योंकि लगातार हमारी म्यूजिक की बीट चल रही है और बीट वही वाली चल रही है, ठक 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 ठक। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ क्रॉस, नीचे ऊपर नीचे। पैरों का मूवमेंट हम ये वाला कई बार सीख चुके हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्योंकि बीट है हल्की सी ठक ठक, तो उस तरह से हॉप करने की कोशिश करेंगे। बैक से करके देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, फिर से हमारी सेम बीट चल रही है। अब हम फिर से अपने पहले वाले स्टेप को रिपीट करेंगे जो कि था हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा। अभी तक हमारी बीट चल रही है और हम ये करके जब यहाँ पे खत्म किया, देन यहीं से तुरंत दोनों हाथों को ओपन किया, वन टू थ्री फोर। ओके, यहां से हमारा लिरिक्स का पार्ट शुरू होगा। क्या किया हमने, लिरिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो है रंगीला छैल छबीला। हम बैक थे, यहीं से हम अपने पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे और सेम घूम के भी हमें सेम स्टेप को रिपीट करना है, तो हम आगे से ही सीख कर लेते हैं। क्या करना है हमें, जो हमारा फुटवर्क था सबसे पहले स्टेप में, ये वाला ये वाला, इसमें बिना किसी टैपिंग के फटाफट करना है, वन टू। ठीक है, हाथों का मूवमेंट जाएगा राइट हैंड से। जब राइट साइड गए फेस पे ऐसे इसी हाथ से, जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्री है उससे आप अपना लहंगा ड्रेस कुछ पकड़ सकते हो या उसको फ्री भी छोड़ सकते हो। ठीक है, वन टू वन टू। बैक से करके देखें, वो है रंगीला स्ट्रेट, एक हल्की सी छोटी सी बीट है उस पे हम वन टू। फिर से करके देखते हैं बैक से, वो है रंगीला सीधा ठक ठक छैल छबीला।
ओके, एक बार फिर से हमें सारे स्टेप। इसके बाद जो हमारे लिरिक्स हैं बहुत ही फास्ट चलने वाले हैं, काफी क्विक। जैसे जैसे लिरिक्स जाएंगे वैसे वैसे हमारे स्टेप्स तुरंत चेंज होते जाएंगे। ठीक है, पहला पहला लिरिक्स आएगा वो है नटखट, फिर एक बीट आएगी टिंगड़िंगड़िंग सी, फिर वो जमुना तट। ओके, मुरली बजाए फेर लगाए गोपियों के संग रास रचाए। ठीक है, अब इन पे स्टेप सीखते हैं। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेमी क्लासिकल डांस आप जब भी परफॉर्म करें तो अपने एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आधे से ज़्यादा खेल आपके एक्सप्रेशन का होता है। ये डांस ग्रेस के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हम अपने एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान देंगे। उस वो हम कब दे पाएंगे, जब हमने गाने को कई बार अच्छी तरीके से सुना होगा, फील किया होगा। ठीक है, हमें पता होगा कि इस गाने की एक्चुअल वाइब क्या है। ये गाना बेसिकली कृष्ण के ऊपर है, तो उनकी नटखट शरारतें, गोपियों के साथ घूमना, इस तरह की कई बातें इसमें आएंगी। तो उस हिसाब से अपने एक्सप्रेशन जरूर रखेंगे। अब यहाँ पे बात है नटखट होने की, तो नटखट जैसे छोटे बच्चे को डांटना है, नटखट लाइक दिस। ठीक है, छेड़ते थे सबको, परेशान करते थे, ये वाले इस तरह के एक्सप्रेशन। तो गाने को कई बार अच्छी तरीके से फील करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने हाथों के स्टेप्स को अपनी आईज से फॉलो करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि एक बड़ी फेमस सेइंग है यथो हस्ता तथो दृष्टि, यानी जहां जहां हमारे हाथ जाएं वहां वहां हमारी दृष्टि, हमारी गेज जाती रहे। ठीक है, अगर मैं ये स्टेप कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैं सामने ऑडियंस को फेस नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे बिल्कुल नम्ब तरीके से करूंगी, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना अपने हाथों से फॉलो किए अपने स्टेप्स को, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि दिखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, ब्लैंक लगते हैं ऐसे स्टेप, नम्ब लगेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी आंखों से स्माइल के साथ ऑडियंस के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए अपनी आंखों का अपने हाथों को फॉलो करेंगे। ओके, अब यहाँ से हमारे स्टेप्स जाते हैं, वो है नटखट वो जमुना तट, इन दो पार्ट को कवर करते हैं। हमें क्या करना है, वो है नटखट, यानी हमारी जो आंखों का मूवमेंट होगा वो कैमरे की तरफ या ऑडियंस की तरफ नहीं रहेगा, हमारी फिंगर को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है मुझे डांट रहा है। तो 1 2 फिर बीट है, टिंगड़िंग सी एक बीट है, उसमें हमें क्या करना है, हमने पहले कहा वो है नटखट, 1 2 3 4, अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड की कलाई को इस तरह से पकड़ेंगे, एंड देन शोल्डर का मूवमेंट, 1 2 3 4, और फेस के एक्सप्रेशन ऐसे जैसे हमें कोई परेशान कर रहा है। तो हम कहेंगे वो है नटखट म्यूजिक वो जमुना तट, यहीं से तुरंत आपके स्टेप्स चेंज होंगे, 1 2 3। जब हम 1 2 3 जमुना को दिखाएंगे तो हमारा जो लेफ्ट पैर है वो इस तरह से पीछे आ जाएगा, तो ये पार्ट ऐसा दिखाई देगा, वो जमुना तट। एक बार अपने राइट साइड जाएंगे, एक बार अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, और लिरिक्स होंगे बहुत ही जल्दी, फेरे लगाए मुरली बजाए गोपियों के संग रास रचाए। इस पूरी लाइन को हम कवर करेंगे, हमारे स्टेप्स हर एक वर्ड पे चेंज होंगे। सबसे पहले फेरे लगाए, हमने यहाँ पे खत्म किया था वो जमुना तट, यहीं से हम एक चक्कर लेंगे, यहां से मैं चक्कर लूंगी अपने लेफ्ट हाथ की तरफ, ये था फेरे लगाने के लिए, इस तरह से नीचे से हाथों को घुमा के सामने लाने के लिए। ठीक है, फेरे लगाए, फेरे लगाने का मतलब है किसी के चारों तरफ घूमना, तो यहां से तुरंत एक चक्कर लेके सीधे फेरे लगाए मुरली बजाए। मुरली कैसे बनाई, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके लिप्स के पास राइट साइड में जाएगा, लेकिन इस तरह की पोजीशन में। ठीक है, वही जो आपका राइट हैंड है वो सामने की तरफ आपकी जो पाम है वो फेस करेगी, और इसकी ऑपोजिट फेस करेगी ऐसे। तो हमने किया फेरे लगाए मुरली बजाए, वेस्ट बाहर एक पैर पीछे, मुरली बजाए गोपियों के संग रास रचाए। गोपियों के लिए इस तरह से मटकी को शो करेंगे। यहाँ पे हाथों का मूवमेंट क्या होगा, जो आपकी सेकंड फिंगर है ये वाली, ये हल्के हल्के टिल्ट कर लीजिए। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल इस तरह की मुद्रा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हल्का टिल्ट करके सर के ऊपर मटकी, गोपियों के संग 3 स्टेप आगे की तरफ, और जो चलने का पैटर्न है वो ऐसा है मटकते हुए थोड़ा। ठीक है ना, आपकी वेस्ट थोड़ी बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा गोपियों के संग। ओके, रास रचाए, इसके लिए क्या करेंगे, रास रचाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से अगेन दोनों हाथों को
इस तरह से नीचे से सामने की तरफ लाएंगे और इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को पकड़ लेंगे। लेकिन इसमें जब हम नीचे से हाथ ऊपर लाएंगे तो जो हमारा लेफ्ट पैर है वो भी थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। फिर इससे एक बीट आएगी, टेंगे नेंगे 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 नेंगे, ऐसी बीट एक बार फिर आएगी। तो वो है नटखट म्यूजिक, वो जमुना तट फेरे लगाए मुरली बजाए, गोपियों के संग रास रचाए, टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग डिंग। अब इसके बाद हमारे लिरिक्स आएंगे, मुरली बजैया रास रचैया श्याम सलोना है, इस पार्ट को कवर करते हैं। ये भी जो लिरिक्स हैं बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। तो हमने कहाँ पर खत्म किया था, इस तरह से हाथ आगे करके 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे खत्म किया था। आगे मुरली बजैया, अगेन मुरली बजैया, यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट पैर को इस तरह से टिल्ट किया, लेफ्ट हाथ हमारे होंठों के पास, राइट हैंड इस तरह से हमारी मुरली, मुरली बजैया रास रचैया। पैरों का मूवमेंट पहले इस स्टेप के लिए देख लेते हैं। पहले लेफ्ट टिल्ट, सारा बॉडी वेट हमारे राइट पे, देन क्विकली चेंज रास रचैया, सिर्फ दो वर्ड है और हमें स्टेप्स को बहुत फास्ट चेंज करना पड़ेगा। तो 1 2। अब इसमें हाथ कैसे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट से क्योंकि हम यहाँ पे थे, मुरली बजैया रास रचैया। पहले दोनों हाथों को इस तरह से फ्लावर के पोजीशन में खोला, क्रॉस करके अपने चेस्ट के पास पूरी तरह इस तरह खोल दिया, देन 1 2। क्लोज करने के लिए इस तरह की मुद्रा बनाई, ओके फिर से। तो ये पार्ट कैसा लगेगा, रास रचैया श्याम सलोना है, क्योंकि लिरिक्स यहाँ पे स्लो होंगे, म्यूजिक थोड़ा सा स्लो होगा, तो हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा। रास रचैया श्याम सलोना है, अपना पैर ये वाला हमारा लेफ्ट पैर पीछे से उठा के आगे कर लेंगे, ठीक है। ये जो टिल्ट था इसको स्ट्रेट करेंगे, मुरली बनाएंगे, इसको पीछे से आगे की तरफ रखेंगे, ओके। श्याम सलोना जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक बीट आएगी, एक फ्लूट की बीट है काफी अच्छी सी, उसके लिए क्योंकि हम इस तरह की पोजीशन में थे, ठीक है, अपनी दोनों तीनों फिंगर्स जो हमारी ओपन है इनसे फ्लूट बजाने की कोशिश करेंगे, कैसे, 1 2 3, थोड़ा सा इन्हें मूव करेंगे, फेस के एक्सप्रेशन पे अगेन बिल्कुल ध्यान देंगे, स्माइल श्याम सलोना है, तो आंखों से ऐसे ऐसे श्याम सलोना है, ओके फिर से। ओके, इस लाइन के जो स्टेप्स हैं लगभग हमारी सेकंड लाइन में भी लगभग सेम ही स्टेप रहने वाले हैं, तो ध्यान से इन्हें सीख लेंगे जिससे कि हमारी दूसरी लाइन इजिली कवर हो पाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जो है अलबेला इसको कवर करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पैरों का मूवमेंट सीख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा राइट पैर टिल्ट करेगा इस तरह से, फिर हम अपने राइट साइड जाएंगे तो लेफ्ट पैर टिल्ट करेगा और फिर से लेफ्ट जाएंगे। अब इसके साथ हाथों के मूवमेंट को देखते हैं। सबसे पैर टिल्ट किया और अपने लेफ्ट हैंड से हम पॉइंट आउट करेंगे ऊपर की तरफ, हल्का सा हॉप करते हुए, श्याम सलोना है यहाँ पे खत्म किया था, देन जो है अब जाएंगे हम राइट अलबेला। यहाँ पे क्या किया, ऊपर से हाथ इस तरह से लगभग ज्वाइन थे, नीचे आते आते ऐसे समझ लीजिए, यहाँ यहाँ से हाथ को रिस्ट को टर्न किया और नीचे, मद नैनो वाला, मद नैनो वाला, नैनो के लिए इस तरह से, यानी कि यहां से ओपन से क्लोज आंखों से, मद नैनो वाला, हल्के से हाथों को मूव किया, आंखों से थोड़ा इशारा किया और अगेन हमारा लेफ्ट पैर ही इस तरह से टिल्ट रहेगा, ओके। तो ये हुआ मद नैनो वाला, पैरों की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रही है। जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से, जो है अलबेला मद नैनो वाला, की दीवानी ब्रज की हर बाला, इसे कवर करते हैं यहाँ से, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो किसना है, ओके।
इस पार्ट को कवर करते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेप आगे आना है और लहराते बल खाते हुए आगे आना है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ जाएगा और उसी के साथ हमारा राइट हैंड भी इधर जाएगा। यहाँ पे आपकी जो रिस्ट है बहुत ही लाइट रहेगी, एकदम लाइट, फिंगर्स के बीच में इस तरह से हल्का सा, बहुत स्टिफ नहीं लगना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइट, जैसे कि आप इंजॉय कर रहे हो। लहराते बल खाते मैंने कहा ना, जिसकी दीवानी। दो स्टेप आगे आए आए हैं, एक बार यहाँ फिर एक बार लेफ्ट पैर आगे। पैर के देखने रखने की पोजीशन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, एकदम स्ट्रेट कभी नहीं रखा है, हल्का सा टिल्टेड फॉर्म में रखा गया है। तो कैसे होगा ये, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। अगेन मटकी से बाला को शो किया, जिसकी जब स्टार्ट किया तो हमने दो स्टेप आगे लिए थे, दो स्टेप पीछे चले गए। एक बार वर्बली करके देखते हैं पूरे को, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है। अब यहाँ से हमारे सॉन्ग की मेन हुक लाइन स्टार्ट हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पैरों का मूवमेंट सीखते हैं। हमारे हाथों का मूवमेंट सेम रहने वाला है, इस तरह से हम एक बांसुरी फ्रेम करेंगे। अभी हमने सीखा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड जो कि मेरे होठों के पास, ये है मेरा राइट हैंड जिसकी पाम सामने की तरफ शो करेगी और इस तरह से हम इसे फ्रेम करेंगे और ये पूरे टाइम इस स्टेप में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम पैरों के मूवमेंट पहले सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हमें कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपका सॉन्ग है वो किसना है, ठक ठक, वो किसना है, ठक ठक, ये बीट है पूरे सॉन्ग में। पैरों में क्या करना है, सबसे पहले राइट पैर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड क्रॉस करेंगे, राइट साइड क्रॉस करेंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका पूरा पैर ना रखें, सिर्फ अपनी टोस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ से टोस पे लेफ्ट, टोस पे राइट, देन हमें लेना है एक क्विक सर्कल। क्विक सर्कल लेने का तरीका क्या होगा कि आपको अपने राइट पैर से लेफ्ट पैर को क्रॉस करना है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस किया। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो आप सर्कल नहीं ले पाएंगे, आप गिर जाएंगे, ठीक है। पास में प्लेस करना है और पीछे प्लेस करना है, ठीक है। आपके राइट पैर की टोज और आपके लेफ्ट पैर का जो कंप्लीट प्रेशर है उससे हम इसे लेंगे। कैसे, प्लेस क्रॉस एंड बैक देन टेक अ सर्कल। देखिए हम वापस उसी पोजीशन में आके खड़े हो गए ताकि हम दोबारा सर्कल ले पाए, ठीक है। अगर आप इसे बॉडी से ज़्यादा दूर प्लेस कर दोगे और स्ट्रेट रखोगे, क्रॉस नहीं करोगे, उसके बाद सर्कल लोगे तो आप देखिए इस तरह के पोजीशन में आ जाओगे, फिर आप दोबारा सर्कल नहीं ले पाओगे, आपका एंगल ही खराब हो गया, ठीक है। हाथों का मूवमेंट कैसा बताया मैंने पूरे सॉन्ग में, इस पूरे लाइन में ऐसा। तो कैसे करेंगे, वो किसना है, वो किसना है, यहाँ तक किया, ठक ठक सर्कल, रिपीट अगेन, ठक ठक बैक सर्कल, ओके ओके। इस पार्ट को कवर किया। अब इसके बाद हमारी सेम दोनों राइट में फिर से रिपीट होंगी, उसके लिए हम फिर से फुटवर्क को पहले सीखेंगे। हाथों का मूवमेंट अगेन हमारा सेम ही रहेगा इस तरह का। फुटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन स्ट्रेट पोजीशन में आ गए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे राइट से। राइट में जो सबसे पहला स्टेप हमने किया था, इस तरह से अपने पैर को टिल्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जिस पैर से टैप करेंगे वो हल्का सा टिल्ट, दूसरा पैर स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे और टैप 2 times, 1 2, देन जंप, राइट साइड जंप किया तो लेफ्ट पैर टैप करेगा, 1 2, अगेन 1 2, 1 2, और हमारे हाथ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो किसना है, वो किसना है, और ये बीट खत्म हो जाएगी। हमारी सेम लाइन फिर से रिपीट होगी, इसमें थोड़े से स्टेप्स में चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। सबसे पहले दो स्टेप हमारे सेम रहने वाले हैं, जो है अलबेला। मदनैनों के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट पैर थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से रखेंगे, हाथों से इस तरह की पोजीशन बनाएंगे, दोनों फिंगर से, दोनों हाथों से, देन इसे हल्का हल्का मूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे, क्रिस क्रॉस मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मदनैनों वाला।
देन हम एक स्टेप आगे लेंगे, जिसकी लेफ्ट से आगे, जिसकी ये है आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड में फेस करेगा, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, काफी प्रीवियस स्टेप से मैच करता हुआ एक बार फिर। अब फिर से हमारी सेम मेन लाइन आ जाएगी, पर इसमें स्टेप्स थोड़े से चेंज रहेंगे। इसका जो फुटवर्क रहेगा वो हमारी प्रीवियस लाइन में जो हमने ये वाला फुटवर्क यूज किया था, टैप 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 टैप, ये वाला फुटवर्क रहेगा, लेकिन इसमें हम कृष्ण के अलग अलग जेस्टर्स को शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? हमने खत्म किया ब्रिज की हर बाला, नाउ यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपने राइट हैंड से यहाँ पर एक मोर पंखी डिनोट करने की कोशिश करेंगे, और हमारा लेफ्ट पैर, हम लेफ्ट हाथ, हमारा जो भी ड्रेस है, सूट लहंगा जो है, उसे हम इस तरह से होल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड रिपीट करेंगे अपना वही प्रीवियस फुटवर्क, वो किसना है टैप 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 टैप। फिर से हाथों के जेस्टर्स को चेंज करेंगे, बांसुरी फ्रेम करेंगे, वो किसना है टैप 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 टैप, ठीक है। फिर एक नए जेस्टर को शो करेंगे, इस तरह से हाथ बनाएंगे, यहाँ पे आपकी दो मिडिल फिंगर आपके थंब के साथ कनेक्ट करेंगे और आपकी फर्स्ट एंड लास्ट फिंगर इस तरह से ओपन रहेगी, और अपने हाथ से, ठीक है ना, अपनी जो मिडिल फिंगर होती है बड़ी फिंगर, उसको इस तरह से अपने थंब के नीचे क्रॉस करेंगे, और ये 1 2, अपनी गेज को अपने इस हाथ पे रखेंगे, 1 2, हल्का हल्का मुस्कुराते हुए, एक स्टेप ये होगा, सो 1 2, एंड देन फिर एक स्टेप होगा सिंपल सा, अपने हाथ को इस तरह से बनाएंगे, अपनी चिन के नीचे रखेंगे, और फिर से टैप 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 टैप, लेफ्ट हैंड हाथ बॉडी से थोड़ा दूर। अब इन सारे स्टेप्स को एक बार करके देखते हैं, हमारी जो हुक लाइन है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, वो किसना है, एंड अगेन चेंज, वो किसना है, चेंज, वो किसना है, वो किसना है, ओके, ये सॉन्ग। इस कंप्लीट ट्यूटोरियल का जो डांस वीडियो है वो नीचे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों में देखने को मिल जाएगा, वहां पे टैप करके क्लिक करके आप आसानी से कंप्लीट डांस को म्यूजिक पर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।